नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका डीवी न्यूज में। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के साथ 500 साल का इंतजार खत्म हो गया है। उमंग और उल्लास में डूबे भारतवासियों ने जश्न मनाया और शाम को दिवाली मनाई गई। जय श्री राम की गूंज से आसमान गूंजायमान हो गया और पटाखों के शोर से इस खुशी को चौगुना कर दिया गया। भारत के घर घर में दीप जले तो पाकिस्तान हिंदुस्तानियों की खुशी से जल उठा। बताते हैं कि भारत को लेकर अनाप शनाप बयानबाजी करने वाले पाकिस्तान ने हिंदुत्व को बड़ा खतरा बता दिया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पाकिस्तान ने बयान जारी कर कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह भारत में बढ़ते बहुसंख्यवाद का संकेत है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की इस टिप्पणी में कहा गया कि पिछले 31 साल में भारत में जो घटनाक्रम घटे उसके बाद आज हुआ प्राण प्रतिष्ठा समारोह बढ़ते बहुसंख्यवाद का संकेत है। यह भारतीय मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर हाशिए पर धकेलने के लिए किए जा रहे प्रयास के तहत उठाया जा रहा एक बड़ा कदम है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय की ओर से जारी बयान में ये कहा गया कि भारत में हिंदुत्व की बढ़ती विचारधारा धार्मिक सद्भाव और क्षेत्रीय शांति के लिए गंभीर खतरा है। पाकिस्तान ने भारत सरकार से मुसलमानों सहित धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा है। पाकिस्तान की अखबार डॉन ने लिखा है कि भारत में सांप्रदायिकता से अब नफरत नहीं की जाती। बाबरी के वजूद को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए डॉन ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से नेताओं और संतों ने अलग रखने को लेकर भारत की एकजुटता पर निशाना साधा है। पाकिस्तान ने अयोध्या को एक राजनीतिक मुद्दा बताया है और इसमें लिखा है कि पीएम ने आम चुनावों के लिए यह एक चुनावी आभासी शुरुआत की है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को धर्मनिरपेक्ष नीति को चुनाव से जोड़ा है और इसमें विवादित भूमि पर हिंदू पूजा स्थल के उदय को वहुलवाद बताया गया है। वहीं रिपोर्ट में भी इसे चुनाव प्रचार के तौर पर बताया जा रहा है। अब इसमें यह भी कहा गया है कि यह घटना भारत के हिंदुओं को प्रभावित करेगी और भाजपा एक बार फिर से कार्यकर्ता में वापस स्वीकार कर अपने कार्यकाल को संभालेगी। इसमें नेहरू की धर्मनिरपेक्ष नीति का भी जिक्र किया गया है। आखिर में सवाल उठाया गया है कि क्या मंदिर हिंदुओं को एकजुट करेगा या फिर भारत को विभाजित करेगा। अमेरिका के एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया कि पीएम मोदी ने सोमवार को हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जो धार्मिक तनाव का प्रतीक है। खबर में ये भी लिखा है कि मंदिर अयोध्या की काया पलट कर उसे पर्यटक स्थल बनाने की अहम भूमिका बनाएगा। वहीं वेटरन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसे राजनीतिक विशेषज्ञ पृथ्वी दत्ता चंद्र शोभा के हवाले से ये बताया गया कि मंदिर आम चुनावों के प्रचार की शुरुआत में लग रही है और इसमें यह भी लिखा गया है कि ऐसा लग रहा है कि मानो पीएम नरेंद्र मोदी एक राजा हैं और धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं। इसमें विपक्षी नेताओं के शामिल न होने पर भी सवाल उठाया गया है। ब्रिटेन की ही एक रिपोर्ट में यहाँ पर लिखा गया है कि मंदिर 16वीं शताब्दी में बनी मस्जिद की जगह लेगा। इसमें ढांचा विध्वंस के बाद दंगे भड़कने और कई लोगों के मारे जाने का जिक्र भी किया गया है।